हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। तो जैसा कि आपने हैंडमेड टेल्स के सीजन 1 को बहुत ही प्यार दिया है और आपने इसके हर वीडियो के नीचे यही कमेंट किया है कि इसके सीजन 2 को भी मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं हैंडमेड टेल्स के सीजन 2 को, जहां पर हमें और भी ज़्यादा दर्द भरी कहानी दिखाई गई है। जब किसी औरत को अपनी मर्जी से अपने बेबी के साथ में नहीं रहने दिया जाए और कोई अगर आवाज़ भी उठाए तो उनको मौत से भी ज्यादा भयानक सजा मिले। जब औरतों को अपनी मर्जी से अपना जेंडर भी एक्सेप्ट ना करने को मिले तो कैसा होगा? तो क्या है हैंडमेड टेल्स के सीजन 1 के आगे की कहानी, यही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सीजन 2 के पहले एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से जून को अथॉरिटीज उसके मालिक के घर से उठाकर ले जाती है। और रास्ते में जून के मन में कई सवाल आते हैं कि या तो उसके लिए ये एक नई शुरुआत होगी या फिर उसका अंत होगा। फिर कुछ समय के बाद में जून को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और उसको जिस जगह पर लाया गया था और सभी के मुंह में एक टाइट मास्क लगा दिया जाता है, जिससे कि वे सभी कुछ बोल और चिल्ला नहीं पाती है। लेकिन सभी की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था और सभी को एक फील्ड में लाया जाता है और वहाँ का नजारा देखकर सभी हैंडमेड्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फांसी के फंदे लटके हुए थे और उन सभी के हाथ बांधकर उनके गले पर फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। जून को तो ये यकीन हो गया था कि अब उसका अंत होने वाला है और अब वो मरने वाली है। और फिर सभी हैंडमेड्स बहुत ज्यादा डर गई थी। उनके पैरों का प्लेट नीचे से हट जाता है लेकिन कोई भी मारी नहीं जाती है। फिर उसी समय वहाँ पर एरिका आती है और वो उन्हें बताती है कि ये सब बस उन सभी हैंडमेड्स को डराने के लिए था, क्योंकि उन लोगों ने अथॉरिटीज के मुताबिक हेना को नहीं मारा था। अब पहली बार उन्होंने खुद की आवाज उठाई थी और ये उनकी आवाज को दबाने के लिए एक डर उनके दिलों में बिठाया गया था। अब कुछ टाइम के बाद बारिश में सभी हैंडमेड्स को बैठाकर उनके हाथों में एक पत्थर दिया जाता है और वहीं पर एरिका उन सभी हैंडमेड्स के दिल में डर बिठाने के लिए उन्हें बहुत बुरा भला कहती है और बीच बीच में उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रही थी। तभी एरिका को खबर मिलती है कि जून प्रेग्नेंट है और तब एरिका खुशी से जून को वहां से उठाकर अपने साथ में खाना खिलाने के लिए कैंटीन एरिया में लेकर जाती है। जून को एरिका खाना देती है पर जून कहती है कि उसे भूख नहीं है और तब एरिका उसके पास बैठकर हैंडमेड के सारे नियम उसको याद दिलाने लगती है, लेकिन फिर भी जून खाने को हाथ नहीं लगाती है। और तब एरिका जून को अपने साथ में एक कमरे में लेकर जाती है और जो भी प्रेग्नेंट हैंडमेड उनकी बातों को नहीं मानती थी वे उन्हें मार तो नहीं सकते थे, लेकिन तब उन्हें ठीक इसी तरीके से कैद किया जाता था। और ये देखकर जून इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो चुपचाप खाना खाने लगती है। फिर तभी वहाँ पर बाकी सारी हैंडमेड्स को लाया जाता है और उनकी बात नहीं मानने की सजा अभी भी उनको दिए जाने वाली थी। अब एक हैंडमेड को किचन के गैस बर्नर पर लाकर उसका हाथ बांधकर गैस चालू कर दिया जाता है और वो हैंडमेड बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, उसका हाथ आग में जल रहा था और बाकी हैंडमेड्स उनकी बारी की बात सोचकर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। जून भी उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती है और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। सीन कट होता है और कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर जून अपने ऑफिस में थी और उसको अपनी बेटी के स्कूल से कॉल आता है कि उसकी बेटी को बुखार है और उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। जून फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और वहाँ पर जून की बेटी बिल्कुल ठीक थी। बहुत सारे सवाल पूछती है क्योंकि जून अपनी बेटी का बुखार देखना भूल गई थी और वो डॉक्टर जून को ऐसे जता रही थी जैसे कि जून एक अच्छी माँ नहीं हो और उसे अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं हो। और कुछ ही देर में जून अपनी बेटी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर में जून का पति जॉन न्यूज देख रहा था जहाँ पर नए लॉ को न मानने वाले लोगों को बेरहमी से आर्मी के लोग मार रहे थे और देश की बिगड़ी हुई हालत देखकर वो दोनों अपनी फैमिली के लिए बहुत डरे हुए थे। प्रेजेंट टाइम में अगले दिन जून को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाया जाता है और वहाँ पर सेरेना और फ्रेड भी आते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए जून का बेबी देखने के लिए, और सेरेना और फ्रेड बेबी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर काम होने के बाद में जून को ड्रेस करके बाहर आने के लिए कहा जाता है और सभी बाहर चले जाते हैं। जून अंदर कपड़े पहनने लगती है कि तभी जून को अपने जूते के अंदर एक चाबी मिलती है, लेकिन ये पता नहीं था कि जून की मदद किसने की और क्यों की, पर इस चाबी से जून को अपनी आजादी मिलने वाली थी और वो डोर को खोलकर आगे बढ़ती है। फिर एक डोर पर उसे एक टॉर्च मिलती है जिसे लेकर वो एक अंधेरी टनल से आगे बढ़ती है। टनल के एंड में एक मीट ट्रक का डोर खुला हुआ था और जून के अंदर जाकर बैठने पर वो ट्रक तुरंत चला लगता है। कुछ देर के बाद में एक जगह पर वो ट्रक रुक जाता है और ट्रक का ड्राइवर वही मीट शॉप का वर्कर था और वर्कर जून को एक घर में छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद में वहां पर कोई जून को लेने के लिए आने वाला था और इस तरफ हम देखते हैं कि सेरेना और फ्रेड जून के बेबी के लिए बहुत ही परेशान थे।
फ्रेड ने सारी अथॉरिटीज को जून को ढूंढने में लगा दिया था और इस तरफ जून के पास में निक आता है जो कि उसके लिए अलग कपड़े लेकर आया था। जून अपने हैंडमेड के सारे कपड़े निकाल देती है और एक बर्नर में डालकर उन कपड़ों को जला देती है और साथ ही वो अपने बालों को भी काट कर आग में डाल देती है और जो हैंडमेड के कान के पीछे एक डिवाइस लगा दी जाती है उसको भी जून कैंची से अपने कान को काट कर उस डिवाइस को निकाल कर उसे भी आग में फेंक देती है। वो इस दर्द को सहती है क्योंकि ये दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था और वो इस बात से खुश थी कि अब वो एक हैंडमेड नहीं है बल्कि वो अब जून है जो कि पहले की तरह रहने वाली है। और इसी के साथ में सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जून से जो कि एक ट्रक में छुपकर कहीं पर जा रही थी और आसपास से पुलिस की कार जा रही थी और अंदर डरी हुई जून ट्रक में छुपी हुई थी। फिर कुछ देर बाद ट्रक का ड्राइवर जून को एक बंद फैक्ट्री में ले जाता है और वो फैक्ट्री वॉर के टाइम से बंद थी। जून को वो ट्रक ड्राइवर कुछ जरूरी सामान देता है और अब यहाँ से कुछ दिनों में जून को फिर से कोई लेने के लिए आने वाला था। ऐसा कहकर वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में जून वहाँ का डोर बंद कर लेती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक हथौड़े को उठा लेती है क्योंकि उस फैक्ट्री के पास की रोड से पुलिस की कार चल रही थी। अब कहानी में फिर से एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैंडमेड के काम से निकली हुई औरतें उस सजा मिली हुई हैंडमेड्स को एक जहरीली जगह पर लाकर जहरीली मिट्टी खोदने के काम में लगा दिया गया था। वो जगह केमिकल गैस जहरीली मिट्टी और पॉल्यूशन से भरी हुई थी। वहाँ की अथॉरिटीज तो अपने मुंह पर गैस मास्क लगाकर अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती थी लेकिन हैंडमेड्स को वहाँ पर बिना गैस मास्क के ही उस जगह पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है और काम में अगर वे लोग जरा भी देरी करते थे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे जाता था। और तभी हम वहाँ पर ग्लेनोवा को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर ये काम करने के लिए कैद हो गई थी। उसने जो पब्लिक प्लेस पर कार चलाकर एक पुलिस को कार के नीचे कुचल दिया था उसके लिए उसे यही सजा मिली थी। अब हमें ग्लेनोवा के पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि ग्लेनोवा असल में एक प्रोफेसर थी जो कि स्टूडेंट्स को एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाती थी कि किस तरह से पॉल्यूशन की वजह से दुनिया पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और अजीब बात तो ये है कि एनवायरमेंट को साफ रखने वाली ग्लेनोवा आज खुद मजबूरी में उसी जहरीली जगह पर काम कर रही थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद में ग्लेनोवा को उसका बॉस सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि देश में नए लॉ आ रहे थे जिसके तहत औरतें काम नहीं कर सकती थी। लेकिन ग्लेनोवा उसकी बात नहीं सुनती है और वो अपने काम को कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। अगेन प्रेजेंट टाइम में ग्लेनोवा के साथ में रह रही औरतों को पॉल्यूशन और जहरीली गैस वाली जगह पर काम करने की वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स खांसी और उनकी बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी। और उसी दिन ग्लेनोवा ये नोटिस करती है कि वहाँ पर और भी सजा मिली हैंडमेड्स को लाया गया था। दूसरी तरफ जून उस अबैंडन फैक्ट्री को घूमकर देख रही थी और अचानक हुई वॉर की वजह से वहाँ पर काम करे लोगों की चीजें वहीं पर छूट गई थी। उसी फैक्ट्री पर एक जगह पर कुछ फांसी के फंदे जून को लटके हुए दिखाई देती है और उन्हें देखकर ये सोचती है कि या तो यहाँ पर किसी ने सुसाइड किया होगा या फिर किसी को यहाँ पर लाकर जबरदस्ती मार डाला होगा। अब अचानक से जून को किसी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत ही डर जाती है और हैमर को लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि निक था। जून तो उस जगह से फौरन अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ में निकलना चाहती थी और वो निक को भी यही बातें कहती है कि वो एलिजाबेथ को ढूंढ निकाले। लेकिन निक के मुताबिक अभी एलिजाबेथ को ढूंढना खतरे से खाली नहीं था और वो चाहता था कि जून और उसका बेबी सेफ रहे। सही टाइम आने पर वो जून को वहाँ से दूर एक सेफ देश में भेज देगा। लेकिन जून उसकी बातों को नहीं सुनती है और निक से कार की चाबी लेकर कार में बैठ कर जाती है। लेकिन वो निक को छोड़कर नहीं जा पाती है और निक के पास वापस आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों वहीं पर इंटीमेट भी होते हैं। अब इस तरफ ग्लेनोवा ओला नाम की एक औरत से बातें करने लगती है। उन लॉ के चेंज होने से पहले ओला भी बड़ी और रिस्पेक्टेड जॉब करती थी। ओला के हस्बैंड की वजह से उनकी हैंडमेड्स मारी गई थी और इसीलिए ओला के हस्बैंड को मार दिया गया था और ओला को इस जहरीली जगह पर काम करने की सजा दी थी। अब इतनी मुसीबतों के बाद भी ओला भगवान पर विश्वास रखती थी और इसी बात से ग्लेनोवा भी शौक देती और ग्लेनोवा उसे एक मेडिसिन देती है। अब रात को उस मेडिसिन को लेने के बाद में ओला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है और हैंडमेड को मारने की वजह से ग्लेनोवा ने उसे असल में जहर दे दिया था। कहानी अगेन पास्ट टाइम में आती है जहाँ पर ग्लेनोवा के बॉस ने मजबूरी में सुसाइड कर लिया था क्योंकि अथॉरिटीज के कहे अनुसार वो वुमन को जॉब से नहीं निकाल पाया था। और ये देखकर ग्लेनोवा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इस देश से फौरन निकलने का फैसला करती है। उसे भी अब ये पता चल गया था कि देश की हालत अब पहले जैसी नहीं रही है।
अब जैसा कि हम लोगों ने हैंडमेड टेल्स के सीजन 1 में देखा कि ग्लेनोवा एक लेस्बियन है और उसकी एक वाइफ भी थी और उसका एक बेटा भी था और वो उन दोनों को लेकर एयरपोर्ट जाती है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि देश की ऐसी हालत थी कि सभी लोग उस देश से निकलना चाहते थे। उन दोनों के लेस्बियन होने के बारे में पता होने के बाद में उन दोनों के लेस्बियन होने का जानकर एयरपोर्ट के ऑफिसर में पूछताछ के लिए उन दोनों को बुलाया जाता है और ग्लेनोवा उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। लेकिन उन ऑफिसर के लिए ये कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि नए लॉ के अनुसार लेस्बियन या गे होना एक पाप था। अथॉरिटीज़ ग्लेनोवा की वाइफ और उसके बेटे को तो उस देश से बाहर जाने देती है लेकिन ग्लेनोवा को वहीं पर रुकना पड़ता है क्योंकि वो हेल्थी थी और बच्चा पैदा कर सकती थी। अब प्रेजेंट टाइम में सुबह तक सबको पता चल जाता है कि ओला मारी गई है लेकिन किसी को भी ग्लेनोवा पर ज़रा भी शक नहीं हुआ था और किसी तरह अमीर लोगों से ग्लेनोवा ने हैंडमेड का एक छोटा सा बदला ले लिया था। तभी ग्लेनोवा को वहाँ पर हेना नजर आती है जिसको वहाँ पर सजा देने के लिए नया नया लाया गया था और उसे अपने बेबी को लेकर सुसाइड करने के लिए ये सजा दी जा रही थी। अब इस तरफ हम देखते हैं कि जून उस फैक्ट्री पर जॉब करने वाले लोगों की एक चीज लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है क्योंकि उस फैक्ट्री के सभी लोगों को फांसी पर लटका कर मार दिया गया था। और इस सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब यहाँ से तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जून उसी फैक्ट्री में आराम से चुपकर रह रही थी और खुद को और ज्यादा वो स्ट्रांग बना रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मोरिया कनाडा में अपनी आजाद लाइफ को जी रही थी और वो वहाँ पर जॉन और क्रिस्टन के साथ में रह रही थी। इधर जून फैक्ट्री में ही पेपर कटिंग को इकट्ठा करके कुछ इन्फॉर्मेशन को जमा कर रही थी और जून को अपना बचपन याद आता है जहाँ पर उसकी माँ उसे हमेशा अपने हक के लिए लड़ना सिखाती थी और किसी भी रैली या प्रोटेस्ट में जून की माँ उसको लेकर जाती थी। सीन कट होता है और प्रेजेंट टाइम में निक हर दिन जून से मिलने के लिए आया करता था और इस समय खतरा ज़्यादा होने की वजह से वे लोग डायरेक्ट देश से नहीं निकल सकते थे लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे तक निकलने का इंतजाम निक ने जून के लिए कर दिया था और इसके बाद वो एलिजाबेथ को भी ढूंढकर जून के पास में लाएगा। निक ऐसा प्रॉमिस जून से करता है। दूसरी तरफ कनाडा में मोरिया अब उस देश से बचकर आए नए लोगों की मदद करती थी और आज वहाँ पर एक सोल्जर आया हुआ था जो कि अथॉरिटीज़ के लिए काम तो करता था पर उनकी बात नहीं मानने की वजह से उसको बहुत टॉर्चर किया गया था और उसकी फैमिली को मार दिया गया था और उसकी वाइफ को एक हैंडमेड बना दिया गया था। मोरिया उस एक्स आर्मी को बहुत अच्छे से समझाती है और वो उसे भी वहाँ पर एडजस्ट करवाती है। अब इस तरफ जून को वही ट्रक ड्राइवर उसके आगे के सफर के लिए लेने के लिए आता है और उनको जल्दी वहाँ से निकलना था। जून को टाइम भी नहीं मिलता है निक को एक बार बाय बोलने के लिए और वो वैसे ही वहाँ से ट्रक में बैठकर आगे के लिए निकल जाती है लेकिन उसके मन में एक डर ये भी था कि शायद वो निक को खो नहीं दे। फिर कुछ देर के बाद में जून को बोस्टन एयरपोर्ट के एक अबंडेंट जगह पर छोड़ा जाता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर जून को लेने के लिए मेडिक्स नाम का एक आदमी आता है। तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखने के बाद में मेडिक्स जून को अपने साथ में नहीं लेकर जाना चाहता था लेकिन इतनी दूर आकर जून हार नहीं मानना चाहती थी और जून की जिद के आगे मेडिक्स को जून को साथ में ले जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद मेडिक्स जून को अपने घर पर छुपते छुपाते लेकर आता है और मेडिक्स की वाइफ रोजी एक हैंडमेड को अपने घर में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जून की मदद करने पर उनकी खुद की फैमिली मुसीबत पड़ने वाली थी और ऊपर से उनका एक बेटा एलन भी है। लेकिन मेडिक्स के समझाने पर रोजी जून को घर पर रखने के लिए राजी हो जाती है। अब अगले दिन मेडिक्स का पूरा परिवार चर्च जाता है और जून घर पर ही चुप रहती है। जून फिर अपनी माँ को याद करती है जहाँ पर उसकी माँ जॉन से शादी करने के लिए जून को मना कर रही थी पर जून अपनी माँ की बातें नहीं सुनना चाहती थी। और अगेन कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जून घर के बाहर किसी की आवाज़ सुनकर बेड के नीचे छुप जाती है लेकिन कुछ ही टाइम में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कहानी अगेन पास्ट की दिखाई जाती है जहाँ पर जून एक हेडमेट थी और एरिका उन सभी को समझा रही थी कि पॉल्यूशन की वजह से उनका खाना तक जहरीला बन चुका है पर उनके लेबर्स की वजह से सब कुछ अब सही दिशा पर आ रहा है। तभी जून उन लेबर्स के बीच में अपनी माँ की फोटो को नोटिस करती है मतलब कि जून की माँ उस जहरीले जमीन पर काम किया करती थी। फिर अगेन प्रेजेंट टाइम पर जून रोजी के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती है क्योंकि जून अब प्रेग्नेंट थी तो उसे जल्दी ही कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर निकलना होगा नहीं तो बढ़ते पेट के साथ में वो कहीं भी निकल नहीं पाएगी और जल्दी पकड़ी जाएगी। और किसी को भी शक हुए बिना जून ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। ट्रेन के अंदर भी कुछ आर्मी के लोग थे और उन्हें देखकर जून को बहुत डर लग रहा था
लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है। जून किसी को भी शक हुए बिना उस ट्रेन से उतर जाते हैं और जब किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था तो फौरन रोड के पास के जंगल की तरफ घुस जाती है और वहां पर जाकर भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद में वो रुक जाती है और यहाँ पर उसे वही पल याद आता है जब इसी जंगल में उसके बेटे को उससे छीन लिया गया था। जून फिर भी हिम्मत करके भागने लगती है और उसे एक खेत दिखाई देता है। खेत के बीचों से भागकर वो एक एक्सीडेंट हुए प्लेन की तरफ जाती है और वहां पर किसी की मदद के लिए इंतजार करती है। अब इस तरफ मोरिया एक पार्टी में थी और वहां पर उसको एक और लिस्बन लड़की कैथलीन दिखाई देती है। दोनों बाथरूम में जाते हैं और मोरिया उसको प्लेजर देती है। लेकिन जब कैथलीन मोरिया को प्लेजर देना चाहती थी तो मोरिया उसे ऐसा करने नहीं देती है और सीन कट होता है। दूसरी तरफ जून की मदद के लिए एक प्लेन वहां पर आता है और प्लेन का ड्राइवर मारियो जून को तभी अपने साथ में प्लेन में ले जाने के लिए राजी होता है जब जून उसे अपना हेलमेट होने का सबूत देती है। और तभी वहां पर एक लड़का एरी आता है और एरी भी वहां से भागना चाहता था तो मारियो उसे भी अपने साथ में ले जाता है। प्लेन में बैठकर जून अपनी माँ और एलिजाबेथ को याद करती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस नरक से आजाद हो जाएगी। जून अपने लिए बस कुछ अच्छा सोचती है कि तभी उनके प्लेन को वहाँ की आर्मी घेर लेती है और मारियो और एरी को वहीं पर वो आर्मी वाले लोग गोली चलाकर उन्हें मार डालते हैं और वे जून को भी खींचकर अपने साथ में ले जाते हैं। और जून के चीकू के साथ में हैंडमेड टेल्स के सीजन 2 का 3rd एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों इन तीनों एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह जून इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए आज़ादी के आखिरी सीमा तक पहुंचकर भी आज़ाद नहीं हो पाई थी, तो वहीं ग्लेनोवा जैसी सजा मिली हैंडमेड्स की लाइफ किस तरह नरक से भी बदतर हो जाती है और बातों को नहीं मानने पर किस तरह हैंडमेड्स को डर के बल पर उनके कदमों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और हम आगे आने वाले पार्ट में ये देखेंगे कि भागने की कोशिश करने पर जून के साथ में आखिर क्या होगा, तो हमारे साथ आने वाले वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बाकी के वीडियो जरूर देखें, सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैंडमेड टेल्स सीजन 2 के एपिसोड 4, 5 और 6 को। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले उन सभी को देख लीजिएगा ताकि आप भी हमारे साथ में इस सीरीज में बने रहें। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी की माँ को ऐसा फील कराया जाए कि उसके पेट का बेबी उसका नहीं है, वो किसी और का है, और जब किसी को जबरदस्ती उसकी पहचान छीन कर कोई और पहचान दे दी जाए तो उस पर्सन को कैसा महसूस होगा, यही हमें आज के इन तीनों एपिसोड में जानेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जून को भागते टाइम प्लेन में पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में जून को एक कमरे में बंद करके उसके पैरों को चेन से बांध दिया गया था। वो भागना तो दूर, जून अब कमरे के डोर या कोने तक भी नहीं पहुंच सकती थी। कुछ देर बाद वहां पर एरिका जून के लिए हैंडमेड का यूनिफॉर्म लेकर आती है और जून को उसके हैंडमेड के नाम ऑफरन कहकर बुला रही थी। जून एरिका को याद दिलाती है कि उसका असली नाम जून है न कि ऑफरन, और फिर से हैंडमेड नहीं बनना चाहती थी। एरिका जून को दो ऑप्शन देती है, या तो वो ऑफरन बनकर खुद को हैंडमेड एक्सेप्ट कर ले तब वो पहले की तरह अपनी लाइफ जी पाएगी, या फिर वो जून ही बनी रहे और तब बेबी पैदा होने के बाद में जून को पब्लिकली बेरहमी से मार दिया जाएगा। और उसके बाद जून को रेडी होने का बोलकर एरिका रूम से बाहर चली जाती है। जून फिर से हैंडमेड के उस लाल ड्रेस में खुद को नहीं डालना चाहती थी लेकिन मजबूरी में उसको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। एरिका फिर जून को फिर से उसके मालिक के पास लेकर जाती है जो कि सेरेना और फ्रेड थे। वहां पर जून का सर झुकाकर उसे खड़ा कर दिया जाता है और फ्रेड और सेरेना को पता था कि जून खुद भागी थी लेकिन फिर भी बेबी के लिए वे लोग ऐसा दिखाते हैं कि जून को कुछ लोगों ने किडनैप किया था और बहुत ही मुश्किलों के बाद वे लोग उसे ढूंढ पाए हैं। जून फिर से अपने उसी रूम में जाती है जो उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। फिर तभी वहां पर सेरेना आती है जो जून का गला घोटकर उसको धमकी देती है कि उसके पेट के अंदर का बेबी उसका है, तो दोबारा अगर जून भागने की कोशिश करेगी तो ये जून के लिए अच्छा नहीं होगा। तब जून सेरेना को उसी की एक बात याद दिलाती है कि जब तक मेरी बेटी सेफ है तुम्हारा बेबी भी सेफ रहेगा, और जून की बातों का मतलब सेरेना समझ गई थी
और उसको बिना कुछ कहे वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जून को एरिका नींद से उठाती है और एरिका अब से जून की हर चीजों का ध्यान रखने के साथ उस पर नजर भी रखने वाली थी। एरिका के जाने के बाद में नीना वहां पर जून के लिए कपड़े लेकर आती है और जून को वही लेटर का पैकेट दे देती है जो कि जून जाने से पहले नीना को देकर गई थी। नीना ये लेटर खुद के पास रखकर किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी और जून फिर से उन लेटर्स को बाथरूम में छुपा देती है। अब ब्रेकफास्ट के समय जून को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी जाती है ताकि उसका बेबी हेल्थी पैदा हो। और निक वहां पर आता है जो कि जून को देखकर हैरान था। एरिका जून को एक विटामिन जूस जबरदस्ती पीने को कहती है लेकिन जूस पीते ही जून उल्टी कर देती है। लेकिन फिर भी एरिका जून के लिए वही जूस वापस बनाकर लाती है। उसी दिन कुछ अमीर औरतें अपने हैंडमेड के साथ में जून की गोद भराई की सेरेमनी के लिए आते हैं और गोद भराई थी तो जून की, लेकिन सब ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो गोद भराई जून की नहीं बल्कि सेरेना की है। सभी लोग सारे गिफ्ट सेरेना को ही दे रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि जैसा सेरेना ही प्रेग्नेंट है। फिर तब जून बेबी की किक को महसूस करने की एक ऐसी बात बोल देती है जिससे कि सेरेना चुप हो जाती है। जून फिर सेरेना को ये याद दिलाती है कि सभी लोग चाहे कुछ भी सोचे लेकिन ये बेबी उसी का ही है। अब कुछ समय के बाद जून की बातों से परेशान और नाराज सेरेना अकेली खड़ी थी और तभी वहां पर एरिका आकर सेरेना को समझाती है कि जून एक स्ट्रांग औरत है और उसी की तरह उसका बेबी भी स्ट्रांग होगा। जून चाहे कुछ भी कहे वो बेबी सेरेना का ही है और ये सुनकर सेरेना थोड़ी शांत होती है। अब जून अकेले में थी तो वो अपने एक हैंडमेड दोस्त सारा से बात करती है और सारा भी इस बात से दुखी थी कि इस देश से निकलने के इतने करीब होकर भी वो फिर से इसी नरक में फंस गई। अब जीना भी जून से बात नहीं कर रही थी और उन लोगों ने जो हेना को न मारने के लिए अपनी आवाज उठाई थी उसकी सजा के रूप में जीना की जुबान काटकर उसे दे दी गई थी। सारा का भी हाथ बुरी तरीके से जला दिया गया था और जून ने कभी नहीं सोचा था कि उसका आवाज उठाकर विरोध करने का ये कदम उसके दोस्तों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत ला देगा। अब कुछ देर बाद एक रिचुअल शुरू होता है जहाँ पर जून को सेरेना के सामने बिठाया जाता है और दोनों के हाथ में एक धागा बंधा होता है। फिर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और वे लोग ऐसा दिखा रहे थे कि जून का बेबी सेरेना के पेट में आ गया है और उस बेबी पर सिर्फ सेरेना का ही हक है। जून फिर से अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर जॉन की पहली वाइफ मोनी उसे मिलने के लिए आई थी और जून को बहुत सी गालियां देती है। उसके मुताबिक जून ने एक शादीशुदा आदमी को फंसाया था, पर जून मोनी को समझाती है कि उनके अलग होने के बाद ही वो जून की लाइफ में आई थी, पर फिर भी मोनी जून को बहुत बुरा भला कहती है। अब दुखी होकर जून जब घर पर आती है तो सुनती है कि जॉन मोनी को कॉल करके जून की इंसल्ट करने के लिए उसका बहुत बुरा भला कहता है और उसको धमकी देता है कि कभी भी वो जून के पास में न जाए। जॉन जून को भी समझाता है कि मोनी और उसका रिश्ता कब का खत्म हो चुका है और अब वो सिर्फ जून से ही प्यार करता है। अब प्रेजेंट टाइम में जून को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उसने मोनी से जॉन को छीना है ठीक उसी तरह सेरेना भी उसका बेबी छीन रही है। और इसी बात का सोचकर जून फिर से सेरेना को बेबी को लेकर ताना मारती है और गुस्से में सेरेना नीना को ही थप्पड़ मार देती है और मामला और न बिगड़ जाए इसीलिए एरिका जून को अपने साथ में बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ सेरेना फ्रेड को कहती है कि वो जून को उसकी जगह भेज दे जहाँ पर उसको चेन से बांध कर रखा जाएगा और बेबी मिलने के बाद में सेरेना को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जून जिए या मरे। लेकिन फ्रेड सेरेना को ये समझाता है कि उन्होंने पहले ही बहुत दिन जून की प्रेगनेंसी को मिस कर दिया है और अगर सेरेना ऐसा करेगी तो कभी भी प्रेगनेंसी को महसूस नहीं कर पाएगी और तब सेरेना फ्रेड की बातें मान जाती है। अब इस तरफ एरिका जून को घुमाने उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक आदमी को पब्लिकली फांसी दे दी गई थी और एरिका जून को ये भी बताती है कि ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने जून को भागने में मदद की थी। उसकी मौत की जिम्मेदार एरिका जून को ही ठहराती है। अब जून पूरी तरह टूट चुकी थी, उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी आजादी की चाहत इतने बेकसूर लोगों की जान ले लेगी। अब रात को जून सेरेना फ्रेड और एरिका से माफी मांगती है जो कुछ भी उसने अभी तक किया और वो उनको थैंक यू भी कहती है जो भी उन्होंने उसका ध्यान रखा। फिर वो उनको प्रॉमिस भी करती है कि अब से वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। और रात को सेरेना जून के रूम में आकर उसके पेट को टच करके बेबी को महसूस करती है और वो इतनी ज्यादा खुश थी जैसे कि वो बेबी सेरेना के अंदर ही हो, पर इस बात से जून को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब अगले दिन जून ठीक पहले की तरह डरी और सहमी रहने वाली जून बन चुकी थी और हर बात को गुलाम की तरह मानने वाली हैंडमेड बन गई थी। उसके इस चेंज से निक भी परेशान था
और जून निक से कोई बात नहीं करती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसका और निक का कोई भी रिश्ता पहले नहीं था। और फोर्थ एपिसोड इसी के साथ में एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जून से, जो कि बाथरूम जाकर वो सारे हैंडमेड के लेटर के पैकेट निकालती है जिसमें अलग अलग जगह की हैंडमेड्स ने उससे मदद मांगी थी और उन सभी ने उन लेटर के जरिए उसे अपना दर्द और मुसीबत के बारे में उसे बताया था। लेकिन जून उन सारे लेटर को किचन में ले जाकर जला देती है। वो नहीं चाहती थी कि आज़ादी की मांग में और किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। निक फिर जून के पास आकर पूछता भी है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जून निक से खुलकर बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि असल में वो नहीं चाहती थी कि निक के साथ जो उसका रिश्ता था उसकी वजह से निक को कहीं मार न दिया जाए। अब अगले दिन एरिका जून का वेट देखती है और प्रेगनेंसी के लिए उसको कुछ इम्पोर्टेंट सलाह देती है। लेकिन फिर एरिका सेरेना को ये भी समझाती है कि बेबी के लिए एक सही परवरिश होना जरूरी है, तो सेरेना कुछ भी गलत बात जून से न करे और ना ही जून को कोई भी टेंशन दे। एरिका अब अपने दूसरे कामों के लिए निकल रही थी कि फ्रेड एरिका से बेबी और जून का हालचाल पूछता है। फ्रेड ऐसे तो दिखा रहा था कि वो बेबी के आने से बहुत खुश है, पर जब भी फ्रेड निक को देखता था तो उसकी आंखों में गुस्सा और उसके लिए जलन साफ दिखाई देती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि ये बेबी उसका नहीं है बल्कि निक का है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ सजा काट रही हैंडमेड्स झेली जमीन पर काम करने की वजह से एक के बाद एक मारी जा रही थी और हेना वहाँ पर नई नई आई थी तो उसको अभी भी पता नहीं था कि वो किसी जगह में फंस चुकी है। और अगले दिन हेना पहली बार उस जमीन पर काम करने जाती है जहाँ पर एक हैंडमेड बीमार होने की वजह से वहीं पर गिर जाती है, लेकिन उसे फिर भी आराम नहीं करने दिया जाता है और इसी कारण से उसे फिर से काम पर लगना पड़ता है। अब यहाँ पर अगले दिन जून को अपने प्राइवेट पार्ट से खून निकलता हुआ महसूस होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्यों हुआ वो समझ नहीं पाती है और फिर भी वो इस बात को किसी से भी शेयर नहीं करती है। जून अब फिर से पार्क में सेरेना के साथ में वॉक पर जाती है और वहाँ पर उसे मेलिसा दिखाई देती है जो कि हेना की बेटी को शांत करा रही थी। उन लोगों ने बेबी को हेना से छीन तो लिया था, पर बेबी अपनी माँ की आवाज पहचानती थी और इसीलिए हेना को न पाकर बेबी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। और उसे देखकर सेरेना जून को कहती है कि अब से वो जून के पेट में रहे बेबी के साथ बात करती रहेगी ताकि बेबी सेरेना की आवाज को ही उसकी माँ की आवाज माने। अब घर आने के बाद में निक सेरेना से कहता है कि उसे जून की मेंटल स्टेट पर भी ध्यान देना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और निक जानता था कि जिस तरह जून बदली है और उसने हार मान ली है उस हिसाब से जरूर जून के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है, लेकिन सेरेना को जून की दिमागी हालत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो निक को कहती है कि हैंडमेड की प्रॉब्लम उसकी टेंशन की वजह नहीं है। सेरेना फिर बेबी के बारे में फ्रेड से बात कर रही थी, पर फ्रेड अपने काम में ही बिजी था और वो उस पर ध्यान नहीं देता है। और तब फ्रेड को ताना मारने के लिए सेरेना फ्रेड को निक के बारे में बताने लगती है कि किस तरह निक उनकी और बेबी की फिक्र करता है। और यह सुनकर फ्रेड कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में हम गुस्से को साफ साफ देख पाते हैं। निक को मारकर फ्रेड अपना गुस्सा शांत नहीं करवा सकता था, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि वो खुद बेबी पिता करवाने के काबिल नहीं है। और इसीलिए अथॉरिटी से बात करके फ्रेड निक का प्रमोशन करके उसकी जॉब को उसे किसी और जॉब में भेजने का इंतजाम करवाता है। और इस तरफ जून का ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था और बाथटब का पूरा पानी खून से सन गया था। वो इस टाइम सैनिटरी पैड उनसे नहीं मांग सकती थी तो टॉयलेट पेपर को ही सैनिटरी पैड की तरह यूज कर रही थी और इस वजह से जून बहुत ही ज्यादा परेशान थी। नीना जून से उसकी परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन वो डर के मारे जून से कुछ नहीं कहती है। अब उसी दिन सेरेना जून को एक मीटिंग में लेकर जाती है जहाँ पर सभी वाइफ्स हस्बैंड्स हैंडमेड्स मेड्स और अथॉरिटीज के कुछ लोग आए हुए थे। वहाँ पर निक जैसे बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स ड्राइवर्स के काम को सम्मान और उनके काम के लिए प्राइज देने के लिए उनको स्टेज पर बुलाया जाता है। सभी को एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें दो रिंग थी और फिर उनके पास में कुछ लड़के लाई जाती है जिनके साथ में शादी करने का उनको हुक्म दिया जाता है। वे सभी अथॉरिटीज के गुलाम थे तो उनको मजबूरी में उनसे शादी करनी पड़ती है और वे सभी लोग उनकी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे और ताली बजा रहे थे। जून के पास आखिर में जो प्यार था उसको भी अमीर लोगों और अथॉरिटीज ने उससे छीन लिया था और किसी तरह जून अपने आंसुओं को छुपा रही थी। अब रात को फ्रेड और सेरेना उनकी न्यू वाइफ एडना का वेलकम करती है और सेरेना के कहने पर जून अपने रूम में चली आती है। लेकिन निक की अचानक हुई शादी से जून के दिमाग पर और भी ज्यादा गहरा असर पड़ा था। वो रूम में जाकर कपड़े उतारने पर जून देखती है
कि उसे और भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेबी उसके पेट में ही मर चुका है। सीन कट होता है और इस तरफ ग्लेनोवा ये नोटिस करती है कि उस पॉल्यूशन वाली जगह पर काम करने का असर अब उस पर भी हो रहा है और आज उसका एक दांत अचानक ही सड़कर निकल गया था और इस बात से ग्लेनोवा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे पता था कि इस तरह बाकी की हैंडमेड की तरह वो भी मारी जाएगी। अब रात को हेना दो लेस्बियन की शादी करा देती है और उनमें से एक हैंडमेड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि पॉल्यूटेड जमीन पर काम करने की वजह से उसकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर ग्लेनोवा आती है जो कि हेना से गुस्सा हो जाती है। हेना को भगवान पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था पर ग्लेनोवा के अनुसार अगर गॉड उनके साथ में होते तो कभी भी उन्हें ऐसी हालत में नहीं भेजते और कभी भी उन्हें हैंडमेड नहीं बनना पड़ता। हेना समझाती है कि अगर गॉड उनके साथ में नहीं होते तो वे लोग कब का यहाँ पर मर चुके होते। कि हेना की एक आंख निकाल ली है और उसके प्राइवेट पार्ट का बुरी तरीके से ऑपरेशन कर दिया गया है। इससे अच्छा तो ये होता कि उसे मौत ही मिल जाती। सीन अगेन कट होता है और यहाँ पर सेरेना और एडना निक के रूम में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एडना एक टीनेज लड़की थी तो उसे फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता था और सेरेना से जितना हो सकता था उसने एडना को ठीक से समझाया था और ये भी कि इंटीमेसी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस तरफ निक और फ्रेड ड्रिंक कर रहे थे और फ्रेड निक को समझा रहा था कि उसकी न्यू वाइफ उसके आगे की लाइफ के लिए सही रहेगी। निक भी समझ पाता है कि ये सब फ्रेड उसे जून से दूर रखने के लिए कर रहा है और इसीलिए निक फ्रेड से कुछ नहीं कहता है। निक जब अपने रूम की तरफ जा रहा था तो उसे जून बाहर गिरी हुई दिखाई देती है और उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से खून से सन चुका था। जून ने खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी और जून की हालत देखकर निक बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और रूम बहुत रोता है क्योंकि शायद अब जून का बेबी मर चुका होगा। अब इस तरफ एक और हैंडमेड इन्फेक्शन की वजह से मर जाती है और वो अपने आखिरी टाइम में ही सही, लेकिन वो हैंडमेड हेना की वजह से अपने प्यार से शादी कर पाई थी और उस हैंडमेड को ले जाकर सम्मान के साथ में दफना दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कब्रिस्तान पूरी तरह हैंडमेड की लाशों से भरा हुआ था और न जाने कितनी हैंडमेड्स ने इन्फेक्शन से अपनी जान गंवा दी थी। अब अगले दिन जून को हॉस्पिटल में होश आता है और सेरेना बेबी की फिकर में वहीं पर बैठी हुई थी। सेरेना डॉक्टर को बुलाना चाहती है और तब जून देखती है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। जून अपने बेबी से बात करके ये कहती है कि वो अमीर लोग उसके बेबी को उससे कभी नहीं छीन सकते हैं और अपने बेबी को वो कभी भी यहाँ पर गुलाम बनने नहीं देंगे और एक दिन वो अपने बेबी को यहाँ से बाहर निकल कर रहेगी। और एपिसोड 5 यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि जून के बेबी का चेकअप हो रहा था और सेरेना बेबी के लिए बहुत ही परेशान थी। डॉक्टर सेरेना को समझाते हैं कि जून का बेबी बिल्कुल ठीक है और जून की पहली प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक गई थी तो इस प्रेगनेंसी में भी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बार सेरेना की परमिशन पर जून अपने बेबी को अल्ट्रासाउंड में देख पाती है और अपने बेबी को देखकर वो बहुत ही खुश थी और उसके साथ में सेरेना भी बहुत खुश थी। यहाँ पर घर पर निक जून से बात करने आता है जहाँ पर जून निक को उसकी नई वाइफ एडना की बात भूलकर ताने मार रही थी। निक जून को समझाता है कि उसके पास में शादी को मना करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था और जून भी निक के साथ में उसके रिश्ते को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, नहीं तो ये उन दोनों के लिए मुसीबत बन सकता था। इस तरफ फ्रेड एक बिल्डिंग के काम में लगा था जहाँ पर हैंडमेड को ट्रेनिंग दी जाएगी और वहीं पर फ्रेड से एरिका मिलती है जो उसे समझाती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वाइफ और हैंडमेड के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाती है तो फ्रेड को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस तरफ एडना निक के लिए वाइफ की ड्यूटी निभा रही थी और वो निक से भी ये उम्मीद रख रही थी कि वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसे प्यार करे और उसके साथ में वो इंटीमेट भी हो। पर यहाँ पर निक एडना की हर जरूरत का ध्यान तो रखता है पर उसको एक वाइफ की जरूरत के हिसाब से उसे प्यार नहीं दे पा रहा था। दूसरी तरफ सेरेना जून के बेबी को फील कर रही थी जिससे कि जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि देश में नए लॉ आने पर सेरेना औरतों के नए लॉ के ऊपर भाषण देने गई थी पर वहाँ पर लोग उस नए लॉ से इतना ज्यादा गुस्सा थे कि सेरेना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं जिस वजह से सेरेना को वहाँ से निकलना पड़ता है। अगेन सीन प्रेजेंट में आता है और रात को जून पानी पीने के लिए किचन में आती है जहाँ पर फ्रेड भी अकेला बैठा था और जून को लग रहा था कि फ्रेड उससे नाराज है। वो इस बात को फ्रेड से भी पूछती है पर फ्रेड उसे कहता है कि वो जून से गुस्सा या नाराज नहीं है। और अगले दिन एडना जून से बात करने आती है। एडना यहाँ पर जून को निक के बिहेवियर के बारे में बताती है और उसको लग रहा था कि वो खूबसूरत नहीं है इसलिए निक उससे बातें नहीं करता है या ऐसा भी हो सकता है कि निक गे है इसीलिए वो उसके पास में नहीं आता है।
और तब जून एडना को समझाती है कि वो निक को कुछ टाइम दे जिससे कि वो उसके साथ में एडजस्ट हो पाए, क्योंकि निक जरूर एक अच्छा फादर बनेगा उसके फ्यूचर बेबी के लिए। अब उसी समय सेरेना जून को खाने पर बुलाती है और वहाँ पर जून जाकर देखती है कि उसके कुछ हैंडमेड दोस्तों को भी सेरेना ने खाने पर बुलाया है ताकि जून को थोड़ा अच्छा महसूस हो अपने दोस्तों से मिलकर। सेरेना का ये बदला हुआ बिहेवियर जून को बहुत ही अजीब लग रहा था और बातों के दौरान सेरेना भी उनसे घुलने मिलने की कोशिश करती है। सभी हैंडमेड्स जून के होने वाले बेबी को लेकर बहुत खुश थी और कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर सेरेना लोगों को समझा रही थी कि अगर वे लोग इस नए कानून का विरोध करेंगे तो एक टाइम पर उनके देश में कोई फ्यूचर जनरेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनके देश में न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ही कम होते जा रहे हैं। सेरेना अपनी बात लोगों के सामने किसी तरह रखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन जब वो कार में जा रही थी तो उसी टाइम कोई प्रोटेस्टर सेरेना को गोली मार देता है। वो गोली सेरेना के प्राइवेट पार्ट के पास लगी थी और इस वजह से सेरेना कभी भी मान नहीं बन पा रही थी। अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और सेरेना जून को उसके आने वाले बेबी का रूम दिखाती है जो कि सेरेना ने बड़ी उम्मीद से बेबी के लिए सजाया था। जून को भी वो रूम काफी पसंद आता है और सेरेना फिर जून को उसके पहले बच्चे एलिजाबेथ के पैदा होने के टाइम के हालत पूछती है। जून सारी बातें एलिजाबेथ को बताने लगती है और साथ ही वो एक बार एलिजाबेथ से मिलने के लिए उसे रिक्वेस्ट करती है। सेरेना जून को एलिजाबेथ से मिलवाने से मना कर देती है क्योंकि ये उनके देश के रूल के खिलाफ था। जून उसे यकीन दिलाती है कि वो कभी भी इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी सेरेना जून की रिक्वेस्ट को नहीं मानती है। जून गुस्से में अपने रूम में जाती है जिसके पीछे निक आ जाता है और जून ने सोचा था कि सेरेना थोड़ा बदल गई होगी, लेकिन जून के हिसाब से सेरेना अभी भी एक सेल्फिश औरत थी। निक जून को शांत कर रहा था और तब जून निक को उसकी नई वाइफ एडना के पास में जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने को कहती है। एडना सिर्फ 15 साल की थी और इसीलिए निक एडना के पास में नहीं जा रहा था और वो जून से प्यार भी करता था, लेकिन जून निक से कह देती है कि अब वो शादीशुदा है और उसकी वाइफ एडना है। फिर उसी रात को एक रिचुअल की वजह से निक को एडना के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है, पर निक इस वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और इस तरफ इंडोर गार्डन में सेरेना और फ्रेड बातें कर रहे थे। सेरेना इस वजह से दुखी थी कि वो जून से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है, पर जून ने खुद की तरफ से कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया था। कहानी अगेन से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेड ने सेरेना पर गोली चलाने वाले की वाइफ और उसको गोली मारकर जान से मार डाला था। अगेन प्रेजेंट टाइम में फ्रेड रात को जून के रूम में आ जाता है और जून उसे वहां से जाने को मना भी करती है, क्योंकि अगर सेरेना को पता चल गया कि फ्रेड चुपके से उससे मिलने आया है तो सेरेना उसको और भी ज्यादा भयानक सजा देगी। और तब फ्रेड जून को उसकी बेटी एलिजाबेथ का फोटो दिखाता है और खुद जून के पेट के बच्चे को फील करता है। दोनों बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फ्रेड जून से इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जून अभी प्रेग्नेंट थी तो इस हालत में इंटीमेट होने से वो उसे मना कर देती है। फ्रेड भी इस बात को समझकर वहां से चला जाता है और इतने दिनों के बाद में जून अपनी बेटी की फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश। अगले दिन निक प्रेसिडेंट के पास जाकर उनसे मदद मांगता है कि वो जब भी जून के लिए मदद मांगेगा वो उसका साथ देंगे और प्रेसिडेंट भी उसकी मदद के लिए प्रॉमिस करता है। अब इस तरफ घर पर एडना बहुत ही खुश थी क्योंकि कल रात उसके और निक के बीच में इंटीमेसी हुई थी और उसे खुश देखकर जून भी एडना की खुशी का कारण जान जाती है और जून भी उसे बहुत खुश थी। तब सेरेना जून की बात समझकर उसे इंसल्ट करने के लिए सेरेना की गिराई हुई चीज एडना को नहीं जून को उठाने को कहती है कि वो और एडना एक वाइफ है और जून बस एक हैंडमेड है और कुछ नहीं। जून बिना कुछ बोले सेरेना को वो चीज उठाकर दे देती है, पर सेरेना एडना के हाथों फिर से उसी तरह जून को इंसल्ट करवाती है, लेकिन जून इस बार उस चीज को नहीं उठाती है। अपने रूम में जाकर अपने बेटे की फोटो को देखने लगती है। अब इस तरफ मीटिंग में और भी नई हैंडमेड्स को लाया जाता है और न जाने कितनी लड़कियां और औरत इस तरह इस नरक में फंसती चली जाएंगी। लेकिन अचानक से एक अजीब बात होती है, उन हैंडमेड के बीच में से जीना मीटिंग के अंदर आती है और एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है जहां पर फ्रेड मौजूद था। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों, इन तीनों एपिसोड में हमने देखा कि सेरेना जैसी लेडी के लिए एक हैंडमेड से ज्यादा उससे मिलने वाला बेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहीं निक जैसे लोगों के लिए अभी इस देश में खुद की मर्जी से शादी तक नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर सजा मिली हैंडमेड से जो कि एक के बाद एक इन्फेक्शन से हो रही मौतों में अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और अब आगे ये दर्दनाक कहानी क्या मूड लेकर आएगी ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो आप हम सभी के साथ में इस सीरीज में बने रहेगा। तो
तो जल्द ही इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।